गर्व कीजिए, तालियां बजाइए, हो सके तो बिहार सरकार के सीने पर मेडल लगा दीजिए। जो इनाम देंगे वो कम होगा, पूछेंगे नहीं क्यों, अफसरों ने काम ही ऐसा किया है। छोटे छोटे बच्चों को पॉलिथीन पर बिठाकर पढ़ाना, स्कूल के नाम पर सड़क पर ही क्लास लगवाना, क्या ये काम कम बहादुरी का है? ना जाने कितने दिन लग गए होंगे इस प्लान को अमली जामा पहनाने। आपके और हमारे बच्चे तो चार दीवारी में पढ़ते हैं, लेकिन नीतीश बाबू के बिहार में इन बच्चों के लिए तो सड़क ही स्कूल है और स्कूल ही सड़क। सरकारी फाइलों में रजिस्टर हुआ दरभंगा के कीरतपुर में सिरसिया गांव का न्यू प्राथमिक विद्यालय। खबरदार, जो नीतीश सरकार से इसके बारे में कुछ कहा, सीएम साहब बिजी हैं, मिलेंगे भी कैसे, कभी दिल्ली कभी पटना, एक मिनट की फुर्सत नहीं। लोकसभा चुनाव है तो रणनीति बनानी है, फिर चाहे सड़क पर जानवरों की तरह मिड डे मील खाने को मजबूर बच्चों की तस्वीरें आ जाए या फिर खुले में बैठने की मजबूरी। इन छोटे छोटे मसलों के लिए सीएम साहब को परेशान करना नहीं चाहिए, है ना साहब? क्या दिक्कत होती है यहाँ पर? यहाँ पर दिक्कत होती है, ये जमीन कोई नहीं देते, जमीन कोई नहीं बनते। अच्छा, पढ़ने लिखने में यहाँ सड़कों पे ही पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छे से होता है लेकिन सड़क पे बैठ के ही होता ना? यस सर। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जाना होता होगा, बाथरूम वगैरह, तो कहे कैसे जाती हैं आप लोग? उधर जाते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? अब भी कुछ कहना सुनना बाकी है, मन नहीं पसीजा तस्वीरें देखकर। ठंड के मौसम में जिन बच्चों को स्कूल की बेंच पर होना चाहिए वो जमीन पर है, जिनको डॉक्टर टीचर इंजीनियर आईएएस अफसर बनना है वो इसलिए रुकना नहीं चाहते क्योंकि अगर शौच के लिए जाना पड़ा तो कहाँ जाएंगे, जब स्कूल की दीवार ही नहीं तो शौचालय कहाँ से बनेगा। अगर आप इसे छोटा मोटा स्कूल समझ रहे हैं तो ये गलत फहमी निकाल दीजिए। पहली से पांचवी तक बच्चे आते हैं यहाँ, 174 बच्चों का नाम लिखा है, 98 लड़के और 76 लड़कियां। और सुनिए, गजब की बात तो ये है कि बीपीएससी से चुने हुए दो सरकारी टीचर्स भी ड्यूटी पर यहां लगे हैं, तीन टीचर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। मास्टर साहब ने सोचा था सरकारी टीचर बने हैं, ठाट से बच्चों को पढ़ाएंगे, बढ़िया सा स्कूल होगा, मगर असलियत देखकर सारे अरमान ठंडे पड़ गए। इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, बट है तो है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसा लगा यहाँ आने के बाद? अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? वो तो प्रिंसिपल से जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन, अब आए के काम तो वही समझेंगे। क्या कहें, कोई नहीं चाहता बच्चे ऐसे हालात में पड़े, ऐसे स्कूल में जाए जहाँ बुनियादी सुविधाओं का अभाव हो। यकीन मानेंगे, यहाँ पशुओं को बांधा जाता था, जहाँ उनका चारा रखा हो वहीं पर मिड डे मील वाले बर्तन हैं, चूल्हा चढ़ता है, इसी जगह बच्चों को खाना बनाना पड़ता है। तो क्या सरकार ने, अफसरों ने, जिला प्रशासन ने कभी स्कूल की सुध ली? आखिर ये कब से चल रहा है? जब हमने ये सवाल प्रिंसिपल साहब से पूछा तो जवाब सुनकर चौंक गए। 2011, जी हाँ, 12 साल से इसी तरह सड़क पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। हाँ, बीच में कुछ सालों के लिए बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया था, लेकिन बाद में फिर सड़क पर आ गए। 5 साल के लिए वो कठाल में जो है शिफ्ट हुआ था विभाग के आदेश के अनुसार, और फिर यहाँ आ गया। यहाँ फिर कब से आया? 18 में ही आ गया फिर। हाँ, तब से ऐसे ही संचालित हो रहा है जी। दरवाजे हैं, दरवाजे पे ही चलता था पहले, दरवाजे अच्छे थे तो इसी दरवाजे पे चलते थे, और ये भी दरवाजे ही थे, अब तो इसी बीच में बना है ये थी। अच्छा, इसमें वॉशरूम वगैरह की क्या समस्या है? बाथरूम तो यहाँ पे कोई अति सरकारी है ही नहीं, निजी है, और नहीं तो बच्चे खुले में शौच जाते हैं। जब बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा, उनके हिस्से की बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे? सरकार लाखों रुपए का बजट हर साल शिक्षा पर खर्च करती है तो फिर स्कूलों की हालत दुरुस्त क्यों नहीं होती? क्या स्कूल बनाने का पैसा नहीं है? जमीन पर पक्का स्कूल आखिर बनता क्यों नहीं? हम लोग तो मतलब 6 महीना पहले लिख के दिए कि ये जमीन हम विद्यालय के लिए दान में दे रहे हैं। सीओ साहब को लिख के दिए कि आप अपने स्तर से जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई कर लीजिए और इसका NOC कर दीजिए। NOC हो जाएगा तो मनरेगा से इसका मतलब भराई भी चालू हो जाएगा, स्थल विकास का काम हो जाएगा, हमारा विद्यालय वहाँ बन जाएगा। वहीं स्तर से लेट है, और तो कोई लेट है नहीं, हम लोगों के स्तर से कोई कमी नहीं। अब इससे बड़ी सिस्टम की नाकामी क्या होगी? जमीन देने वाला तैयार है, कहीं कोई दिक्कत नहीं,
फिर भी स्कूल की फाइल अफसरों की टेबल पर धूल चाट रही है। सरकार को चाहिए कि वो दरभंगा वाले स्कूल का जो है जल्द से जल्द भवन बनाकर वहाँ के बच्चों को जो है गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा देकर जो है सरकार को तो एकदम ध्यान देना चाहिए दरभंगा का, कि जल्द से जल्द 10 रूम 12 रूम का एक ढांचा बनाकर पॉलीथीन को हटाकर एक अच्छी स्कूल का दर्जा उस स्कूल को जल्द से जल्द मिलना चाहिए। दरभंगा में क्या सिर्फ यही स्कूल सड़क पर है या ऐसे और कई स्कूल हैं? पता चला है कि जिले में 2,505 स्कूल हैं। इनमें से 158 स्कूल ऐसे हैं जहां स्कूल के नाम पर इमारत नहीं है और कई जगह तो जमीन भी नहीं। जवाब कौन देगा? पटना में हमारे संवाददाता शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के पास पहुंचे, लेकिन मंत्री जी के पास ऐसे छोटे मोटे मसलों के लिए वक्त कहाँ है? अफसर भी आनाकानी करते रहे।